तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीडू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज का प्रीमियर लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग का मैच नंबर 6, जो कि दो दिग्गज टीम्स के बीच में खेला जाएगा, जिसमें एक तरफ सेंट लुसिया किंग है तो दूसरी साइड हमें एंटीगुआ फाल्कन्स देखने को मिल रहा है। यह मैच 4 सितंबर को एंटीगुआ के सर विव रिचर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। यह भारतीय समय सुबह 4:30 पर यह मैच स्टार्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना है, ह्यूमिडिटी 78% रहेगा और टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ बैटिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। पिछले कुछ सालों में हमने कई हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखे क्योंकि पिच सपाट हो गई है और फील्ड भी तेज हो गई है। फास्ट बॉलर इस जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और स्पिनरों को भी बाउंस एंड टर्न मिलती है, पिच समतल हो गई, जैसा कि हाल के अधिकांश मैचों में देखा गया। बॉलर्स को सतह से कुछ शुरुआती हलचल मिलेगी लेकिन इससे बैटर्स को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं कि विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फोर्स का यहाँ पे 11% जीतने का चांस है तो ही बॉलिंग फोर्स का यहाँ पे 89% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं कि अगर स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का स्कोर 148 है तो वहीं पर सेकंड इनिंग का स्कोर 138 है। तो दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देखें तो दोनों के बीच में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला गया। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी सेंट लुसिया किंग का शॉट एनालिसिस करेंगे। टीम ने पहला मैच में दर्जा परफॉर्मेंस करते हुए एक समय 24 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद टीम हार के कगार पर थी, लेकिन उसके बाद टीम के बैटर्स ने परफॉर्म करते हुए 202 रन का टारगेट चेस कर लिया। फैफ डुप्लेसी जो कि टीम के कप्तान है, ओपनिंग में बात करेंगे जो कि डुप्लेसी जॉनसन चार्ली खेल रहे हैं, लास्ट गेम में दोनों फ्लॉप थे। नंबर 3 पर जो कि अकीम अगस्ती है। मिडिल ऑर्डर में आपको टीम साइफर्ट भनुका राजा पटसन पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए मैच को जीता। साइफर्ट ने जहाँ 64 रन, भनुका ने 68 रन बनाए। लो ऑर्डर में जो कि डेविड वाइज एंड ऑस्टन चेस टीम को स्टेबल करेंगे। बॉलिंग में टीम लगभग फ्लॉपी थी, यहाँ पर अल्जारी जोसफ और डेविड वाइज स्पेल के स्टार्ट करेंगे। डेविड ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, वहीं पर मैथ्यू फोर्ड विकेट लेस थे। स्पिन बॉलिंग में आपको नूर अहमद टीम को लीड करेंगे। अब बात करते हैं सेंट लुसिया का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि फैब डुप्लेसिस है, जॉनसन चार्ली भनुका राजा पक्सा टीम साइफर्ट है, एरन जोन्स है, रोस्टन चेस है, डेविड वाइज है, निकेल गोवा, मैथ्यू फोर्ड है, नूर अहमद है, अल्जारी जोसफ है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि फैब डुप्लेसिस है, मैथ्यू फोर्ड है, रोस्टन चेस है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी एंटीगुआ फाल्कन्स का शॉट एनालिसिस करेंगे। पहली बार खेल रही टीम की शुरुआत अब तक बहुत ही खराब रही, अब तक टीम का खाता नहीं खुला। टीम ने इस सीजन में सबसे ज़्यादा 3 मैच खेले लेकिन तीनों मैच हार के आ रही। टीम टेबल के सबसे नीचे टेबल है, जहाँ पर क्रिस ग्रीन जो कि टीम के कप्तान है, ओपनिंग में बात करेंगे जो कि कॉफी जेम्स और फकर जवान अटैकिंग प्लेयर है। फकर ने अब तक 100 रन बनाए। वहीं नंबर 3 पर जो कि सैम बिलिंग्स अब तक फ्लॉप चल रहे, जहाँ पर जुबेल एंड्री 108 रन बनाए, टीम के लीडिंग है स्कोरर भी। टीम का लो ऑर्डर मजबूत है, उन्हें फैब एलन ने मात बसी, किस गिन की रनों की उम्मीद होगी। बॉलिंग में टीम लगभग फेल चल रही है और तीनों मैच में टारगेट डिफेंड नहीं कर पा रही है। स्पेल के शुरुआत मोहम्मद आमिर समर स्प्रिंगर करेंगे, स्प्रिंगर ने अब सबसे ज़्यादा 6 विकेट लिए। वहीं पे हिडन वॉल्स देते हुए स्पेशलिस्ट है, किस गिन और फैब एलन जो विकेट निकाल रहे हैं। इमाद वसीम ने अब तक 4 विकेट लिए। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि फकर जवान है, कॉफी जैम्स है, सैम बिलिंग्स है, जुएल एंड्रयू है, क्रिस ग्रीन है जो कि कप्तान है, इमाद वसीम, फैब एलन है, रोमस प्रीमियर्स है, समर स्प्रिंगर है, मोहम्मद आमिर है, हिडन वॉल्स है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि कॉफी जैम्स है, फैब एलन है, सैम बिलिंग्स है। अब बात करते हैं फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। एंटीगुआ अब तक टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रही है, दूसरी तरफ सेंट लुसिया के बैटर इस पिच पे तबाही मचा कर खेल रहे हैं जो उन्हें फायदा पहुंचा सके, जिसको देखते हुए हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में सेंट लुसिया किंग होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।